Good morning and welcome back. Morning messages from Aditya, Patya, Arav, Devadatta is on the pipeline, the waiting room. Shuru ke ek do minute ke formalities. Good morning, Priyank also. Just got a message. Chalo, so let's start the proceedings of the day. Maine kuch homework bhi diya tha aur bahut logon ne अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने होमवर्क रिस्पॉन्स भी दिए थे. कॉस एक्स टू कॉस एक्स और कॉस टू एक्स के ग्राफ भी बनाए थे और टैन को लेके कुछ लोगों ने बोला है कि टैन को लेके थोड़ा दिक्कत है. वन ऑफ टू इवन मैसेज आल्सो कि टैन वाला ठीक से नहीं बन रहा है, तो मैं फटाफट कॉस का बना देता हूँ और टैन का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. कॉस का तो आई थिंक बना दूंगा, उतना ही बहुत है. कॉस का मैंने देखा कि मोस्टली करेक्ट ही थी, लाइक दिस नॉट मच मिस्टेक टू पॉइंट आउट. लेकिन कई लोगों ने ग्राफ बड़े क्या बोलूंगा, मतलब बड़े कैजुअली बना रहे हो. अब जैसे वन और माइनस वन के बीच में होगा ना ग्राफ. अब कई लोगों ने क्या किया, देखो ग्राफ ऐसे ये वन और माइनस वन है मान लो. अब ग्राफ स्टार्ट तो ठीक किया, फिर यहाँ ऐसे चला गया. अरे इतना बड़ा क्यों बना दिया, देखो माइनस वन से नीचे चला गया. तो कैजुअली मत बनाओ, थोड़ा सा प्रोपोर्शन का थोड़ा ध्यान रख, ठीक है ना. ओके कृतिका नियंत इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग एंड दैट इज टैन एक्स के ग्राफ में थोड़ा डाउट है, ठीक है बताता हूँ मैं. और कृतिका ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग एंड दैट इज कैन यू एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ कॉस 2x. चलो ठीक. एक्चुअली देखो 2x वाला जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा इसको समझो. 2x वाला ग्राफ पता क्या है कि पहले कॉस एक्स वाला ग्राफ बना, मतलब कॉस एक्स साइन एक्स टैन एक्स जो भी पूछा. 2x वाले ग्राफ में क्या करो, उसको सिकुड़ दो आधा. मतलब अगर ग्राफ इतने में फैला हुआ था ना, उसको आधा कर कंप्रेस कर. अकॉर्डिंगली जो भी उसको प्रोपोर्शनल शेप चेंज चाहिए वो कर. बल्कि मैं तो कहता हूं इसमें एक और भी है, मैं cos x by 2 भी तो पूछ सकता हूं. उसमें क्या करोगे, ग्राफ को खींच के लंबा कर, कितना दुगना. बस यही दो चेंजेस. तो अगर मान लो cos x का बना चुके हो तो समझ लो तुमको cos 2x भी आता है, तुमको इनफैक्ट cos x by 2 भी आता है. ये डिपेंड करता है, ठीक है ना. सौरभ आस्की फिर और बाकी सारे कैसे होंगे वगैरह. देखो ऐसा है ना, मैं एक चीज बताऊं, व्हेन इट कम्स टू ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग इससे बहुत कठिन ग्राफ्स करने वाले. मैं सिर्फ वो बेसिक्स बता रहा हूँ. क्यों, क्योंकि कई बार हम लोगों के फिजिक्स में क्या होता है, एंड में एक रिजल्ट आ जाता है इतना कॉस कॉस टू एक्स लेट्स से कुछ, मतलब क्वेश्चन छोड़ो अभी धीरे धीरे करें. अब कॉस टू एक्स के रिलेटेड कुछ आ गया आंसर. अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा आंसर बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस चीज के वेरिएशन का प्लॉट बनाओ, यानी cos 2x का ही तो ग्राफ बनाना. तो अगर cos 2x का ग्राफ तुमको आता है, यू कैन ड्रॉ इट, दैट्स द बेसिक पॉइंट, ठीक है ना. इसलिए जरूरत, और कोई जरूरत. हार्दिक हैज आस्क्ड कि अगर कुछ ग्राफ्स इनफाइनाइट पे पहुंच जाए तो क्या करेंगे. तो ठीक है, एसिम्प्टोटिक बनाएंगे. एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एट इनफिनिटी. मैं समझ गया वो टैन के कंटेक्स्ट में तुम कह रहे हो ना. अभी मैं आ रहा हूँ टैन पे, पहले मैं कॉस का बना दूं फटाफट, ठीक है. चल और कोई डाउट है ना, इसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिया तो उससे मेरे दिमाग में भी सेट हो जाता है कि ये पॉइंट्स मुझे क्लियर कराना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ चीजें मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ कि अच्छा ये तो आता ही है. ये बट नेचुरल है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन जब आता है ना तो मैं भी अपने माइंड फ्रेम में जो है ना थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ कि ये पॉइंट्स मुझे क्लैरिफाई करते हुए, तो दैट्स मोर कम्युनिकेटिव. अदरवाइज अगर वन साइडेड मैं ही बोलता जाऊंगा तो तब तो तुम लोगों को बैठने का जरूरत है क्या. मैं रात को अपना रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, देखते रहो. तो इंटरेक्शन का ये फायदा कि तुम्हारे मन में कुछ आया, तुमने पूछ लिया, फिर मैं उस हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड किया, दैट्स व्हाट, है ना. ओ रूहानी टू आइज ऑन द पाइप. चलो ठीक है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बस ऊपर ऊपर ही बनेगा ना. हाँ, मॉड ऑफ कॉस एक्स अगर करोगे तो कॉस एक्स का तो नॉर्मल ऊपर गया नीचे गया जो भी होता है, और मॉड करोगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला बनेगा और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर कर, मतलब कटा कटा ग्राफ नहीं हो. चलो बना ही देता हूँ, इतने सारे जब सवाल आ रहा है. देखो ये हो गया cos x का ग्राफ, अब बोलोगे मॉड ऑफ cos x, ठीक है इसी के नीचे बना देता हूँ. ठीक है चलो, आई थिंक नाउ इट्स टाइम. दो कर्व्स के बीच में गैप नहीं होगा.
अच्छा बेटा नहीं गैप नहीं होगा, गैप क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो गैप नहीं था, ठीक है ना। अच्छा तुम क्या गैप में तो ये वाला गैप इस तरीके का, यस सर, क्यों, क्योंकि cos x के ग्राफ में भी तो ऐसे ही था ना, ये ऐसे था, तो मैंने क्या बोलो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहे, क्वेश्चन इज मॉड ऑफ cos x, तो जो cos x का ग्राफ है वो तो ऐसे ही होगा, थोड़ा हैंड्रॉन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बट चलो उतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मॉड ऑफ cos x में क्या होगा, जो प्लस वाला हिस्सा है वो तो प्लस रहता है, जो माइनस वाला हिस्सा है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, ये माइनस वाला हिस्सा तो इसको पॉजिटिव करो, ये माइनस वाला हिस्सा इसको पॉजिटिव करो, और फिर ये वाले मिटा, बस ये ग्राफ, ठीक है ना, दैट्स ऑल। चलो एनीवे जो मैं कह रहा था इज दैट अब थोड़ा प्रॉपरली बनाया जाए, वन और माइनस वन और इसके बीच में ग्राफ है, टर्मिनोलॉजी यूज फॉर डिफाइनिंग टेंजेंट एट इंफिनिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ ग्राफ्स में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट, और उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, ये दो तीन चीज, ठीक है। और लेकिन पता है क्या ना, इतना टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्यों, जब तुम लोग मैथ्स में ये सब चीजें करोगे ना तो इससे 25 गुना ज्यादा चीजें, तो लाइक उस समय और बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा, और ऐसे और वर्ड्स भी है जो कि तुमको सीखने को मिलेगा। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, क्यों, क्योंकि कई जगह फिजिक्स में आउटपुट का जो यू नो क्या बोलते हैं आंसर है, वो आंसर पूछते नहीं है, वो बोलते उसको प्लॉट कर, अब आंसर आ गया cos x तो cos x प्लॉट करना पड़ेगा, आंसर आ गया cos 2x तो cos 2x प्लॉट करना पड़ेगा, वो चीज। और वो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज y इक्वल टू cos x एंड दिस इज cos 2x, ठीक है, देख लो। और जहां तक 2 cos x है तो वो तो तुमको बस डबल ही करना है, अभी थोड़ा जगह कम है, चलो कोई नहीं, 2 मतलब यहाँ पे हो गया और ये माइनस 2 हो गया, ये cos x का ग्राफ फॉलो होगा, यानी ऐसे बनाओ कैसे, और एक ही ग्राफ में इतने सारे बनाना इस बात से, चलो आई होप यू हैव फॉलोड द ट्रेंड ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है ना। चलो सो दैट वाज अबाउट योर cos x cos 2x एंड 2 cos x, हो गया, ये ऊपर वाला 2 cos x है जो कि यहां से स्टार्ट होकर यहां गया, फिर यहां गया इसी के नीचे, फिर यहां पे आ गया, फिर वहां, लाइक इट्स इजी टू फॉलो। अब आ जाओ tan x वन, देखो tan x इज द वन दैट इज एसिम्प्टोटिकल नियर 90 डिग्री, नियर 90 डिग्री द tan x वैल्यू टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी डिपेंडिंग ऑन कि तुम 90 से थोड़ा कम में हो या थोड़ा ज्यादा, इट्स लाइक दैट। तो चलो ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया मान लो, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, ठीक है।
तो टैन में क्या होता है, देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, ये ग्राफ इंफिनिटी तक जाएगा एट 90 डिग्री. देखो इट इज बिकमिंग स्लोली टेंजेंशियल बट इट विल एक्चुअली गो टू इंफिनिटी, ठीक है ना. फिर 90 पार होते माइनस इंफिनिटी, तो ये एस हो जाता, ये 180, फिर ये ऐसे होता, फिर ऐसे. ठीक है, देख लो तो ये हो गया इसका ट्रेंड. अच्छा अब बोलोगे ट्वाइस टेन एक्स, तो ट्वाइस टेन एक्स अगर मैं इसी में बनाऊंगा थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड होगा, इसलिए मैं सिर्फ बता देता हूँ. ट्वाइस टेन एक्स क्योंकि इसके डबल, यानी यहां से जाएगा ऐसे, ये भी नीचे से जाएगा ऐसे, और ये ऊपर से जाएगा ऐसे, सो दैट विल बी ट्वाइस टेन एक्स. अब आ जाओ टेन टू एक्स, टेन टू एक्स मैंने क्या बोला, इनफैक्ट 2x वाले के लिए मैंने क्या बोला कि ग्राफ को सिकुड़ दो, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. यानी ये 45 डिग्री पे वो 90 डिग्री पे है, ये ऐसे हो, ये 45 डिग्री वाला इफेक्ट दिस. And then like this, then I say 45 degree. ठीक है, ये हो गया tan 2x. I hope now you have got the graph of it. अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लो. ठीक है, I think that's more or less the end of the story. As far as graphs are concerned, हमने काफी graph कर लिया है ना, इतना ही बहुत है. अब बीच बीच में अगर कोई नया चीज आएगा कर लेंगे उस समय डिस्कस, ऐसे कोई दरवाजा बंद थोड़ी हो गया है ना. चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल, और ये लास्ट टूल है लेकिन इंपॉर्टेंट टूल है. और देखा जाए तो फिजिक्स में अगर मैथ्स का कहीं वाकई सहारा मिला है, या कह सकते हो कि वाकई हेल्प मिला है, तो वो ये टूल है, एंड दैट इज कैलकुलस. ठीक है ना, तो कैलकुलस का जो टूल है उसमें क्या होता है जरा बताता हूं. व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज बेसिकली कैलकुलस. कैलकुलस क्या होता है ना, कैलकुलस में एक्चुअली दो ब्रांचेस या दो डिविजन या दो पार्ट्स. एक हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम, ठीक है, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम. अब क्या एंड ऑल दैट विल बी डिसाइडेड बाय लेटर ऑन थिंग्स, आई मीन व्हिच विल डिस्कस इन डिटेल. दूसरा एरिया जो कैलकुलस का होता है वो होता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली टू फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ
small quantities. Okay? To find out the sum of a large number of small quantities. Yeah? Very small quantities. ये दो एरियाज है कैलकुलस का जो कि हम लोग पढ़ेंगे. एक का नाम है डिफ्रेंशिएशन और एक का नाम है इंटीग्रेशन. दोनों ही करना है अभी. तो इंटरेस्टिंगली हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो इंटीग्रेशन पहले डेवलप, लेकिन इंटीग्रेशन दोनों में से थोड़ा टफर है, इसलिए हम लोग पढ़ते से सीक्वेंस बदल देते, हम लोग डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते. ठीक है, इट्स ओके. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, है ना, when it comes to finding out the rate of change of something, ये क्या है, है ना? तो जैसे suppose मैं कहता हूँ कि एक parameter है y is equal to x square, जैसे area is equal to l square, एक example है, और भी है, तो let's say y is equal to x square. अब होता क्या है कि जैसे जैसे x का value तुम बदलोगे y का भी value बदलेगा, लेकिन क्या same rate पे बदलेगा? कि अगर मैं x का value एक बढ़ाता हूं तो क्या y का value भी एक बढ़ेगा? The answer is obviously no. है ना, जैसे सपोज x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 4, 2 का स्क्वायर. चलो ठीक है, मान लो x का वैल्यू मैंने 1 बढ़ा दिया तो 2 से 3 हो गया, तो 1 ही ना बढ़ा मैंने x का वैल्यू, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, यानी पहले y 4 था अब 9 हो गया, यानी 5 बढ़ गया, जबकि x तो 1 ही बढ़ा है ना. यानी y का बढ़ने का रेट x के रेट बढ़ने के रेट से ज्यादा है, ये एक आइडिया लगा, समझे ना? लेकिन चक्कर क्या ना कि x का चेंज 2 से 3 इज लाइक ए बिग चेंज. मैं स्मॉल चेंज की बात कर कि अगर मान लो x का वैल्यू मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं x का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं तो उसके वजह से y के वैल्यू में कितना इंक्रीज का रेट होता है, यही होता है डिफरेंशिएशन का थीम. यानी समझो इसको कि जब x का वैल्यू कुछ होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y का वैल्यू होता है ना. जब मैं x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, यानी x प्लस डेल्टा x कर दूंगा, डेल्टा x इज अ वेरी स्मॉल चेंज, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू भी कुछ बढ़ेगा. अब पता नहीं कितना बढ़ेगा, वो तो कैलकुलेशन करके पता चलेगा. तो लेट्स से y का नया वैल्यू हो गया y प्लस डेल्टा y. यानी जब हमने x में डेल्टा x का चेंज किया है, उसी समय y में डेल्टा y का चेंज हुआ. अब हम इसका रेट निकालेंगे. तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? रेट निकालता है. यानी therefore rate of change of y with respect to x को हमने कैसे डिफाइन किया? Equal to delta y by delta x. Delta y by delta x. That is the idea what is called as rate of change of, ठीक है ना? Just a got a message. So this is what is the rate of change of y with respect to x, and that is called as delta y by delta x. इसी को हम लोग differentiation कहते हैं. और पता है क्या होता है? जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब मैं x में थोड़ा सा change करता हूँ, तो y में उतना change कई बार नहीं होता है. कई बार उससे कम, कई बार उससे ज़्यादा depend करता है. Mathematics क्या है? तो वही हमारा calculus का मकसद है differentiation का, कि हम निकालें कि x के change के वजह से y में किस रेट से चेंज हो रहा है. दैट इज द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट देन. ध्यान रखना, लेकिन जब हम चेंजेस की बात करेंगे, यानी डेल्टा x या डेल्टा y, वी विल मीन वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस. ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. चलो लेट्स सी दैट. तो सपोज मैं कहता हूं, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट एग्जांपल. एग्जांपल इज लाइक दिस. जब मैं कह रहा हूं y is equal to x square, और जब मैं y में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, हो जाएगा y plus delta y is equal to x plus delta x का whole square. याद करके देखो, हमने binomial theorem कर रखा है,
is equal to x square common ले लो, one plus delta x by x to the power two. मैंने मच्छर में याद करके देखो क्या था, the one plus x to the power n is approximately one plus nx is equal to x square into one plus two into delta x by x. तो क्या हो जाएगा, x square plus two delta x into x. तो x square by x का x cancel हो, तो अच्छी बात. तो therefore x square तो y है, यानी तो y हो गया. तो y plus delta y में से अगर ये बनता है, therefore delta y कितना होगा, 2x into delta x, यानी delta y by delta x कितना आ गया, 2x. So simple. अच्छा अब ना थोड़ा सा नोटेशन बदल दिया. पहले जमाने में नोटेशन होता था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अब थोड़ा सा नोटेशन बदल दिया गया है. इसका जो नया नोटेशन है वो है डी वाई बाई डी एक्स. ये नया नोटेशन, मेरे डेल्टा को डी कर देगा और कोई बात नहीं, इज इक्वल टू टू एक्स. यानी ये मिल रहा है दैट इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, dy dx is equal to 2x. देख लो तो हर केस में तो a नहीं होगा ना, बाकियों में कुछ और होगा. तो गेस करो कि अगर y is equal to x cube होगा, now it's up to you to guess, तो dy dx क्या हो, dx square. बहुत लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया एंड दैट इज 3x स्क्वायर. पलक तुमने 2x स्क्वायर दिया, 3x स्क्वायर होगा. हां ठीक है, नाउ यू करेक्टेड. ठीक, वेरी सिंपल. इसको डिराइव भी करना है ना, तो डिराइव कैसे करें ना, सब कुछ तो सेम ही होगा. तो बस y is equal to x cube, y plus delta y is equal to x plus delta x का होल क्यूब, इज इक्वल टू x क्यूब कॉमन लोगे तो 1 plus delta x by x का क्यूब है ना, is equal to x cube into 1 plus 3 delta x by x is equal to x cube plus 3x square delta x. तो ये delta y हो गया, so therefore delta y is equal to 3x square delta x, यानी delta y by delta x is equal to 3x square. बस ये answer है, यानी dy dx मैंने थोड़ा सा इसका फॉर्मल प्रूफ भी बता दिया. वैसे तो ज्यादातर बच्चों ने, तुम लोगों ने ओरली आंसर दे दिया, बिल्कुल सही बात है, ओरली देने लायक ही है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल अप्रोच होता है. मैंने फॉर्मल तरीके से इसको प्रूफ भी कर दिया कि अगर y x क्यूब होता है तो dy dx का वैल्यू कितना. ठीक है, सिंपल. चलो नेक्स्ट प्रोसीड टू x टू द पावर n, जनरलाइज कर डाल x टू द पावर n. अगर मैं x टू द पावर n करूंगा, ये भी n हो, ये x टू द पावर n हो जाएगा और ये n हो जाएगा, ये x टू द पावर n और ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा x बाय x, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस n इंटू डेल्टा x इंटू x टू द पावर n माइनस वन, यानी डेल्टा y क्या हो गया, n x to the power n minus 1 delta x. So delta y by delta x kya ho jayega, n abhi generalized ho. So agar x to the power n hota hai aur tumko differentiate karna, verb form of the word differentiation, to kya ho jayega na, power samne leke aao aur a power ghata. ठीक है, सो सिंपल है ना. तो दैट इज द जनरलाइज्ड रूल नाउ, एंड दैट इज कि अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर n होता है, तो देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n तो क्या होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x विल बी इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1. अब अच्छे से देखो, बोलो
पूछ रहे हो बेटा? यस मुकुंद, आस्किंग समथिंग? सब गलती से ऑन हो गया था मेरा। अच्छा चलो ठीक। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर y का वैल्यू x टू द पावर कुछ होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए हमारे पास जनरलाइज मेथड है। और हमने y इज इक्वल टू x टू द पावर n के लिए निकाल दिया, तो n स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 5, 7, 1.5 हो, कुछ भी हो, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो अकेला नहीं होगा ना, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक का भी है। अब सबका ना प्रूफ पे हम जा नहीं सकते, एज आई सेड फिर तो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ और ये चार्ट तुमको याद कर फिलहाल के लिए। जब तुम लोग कैलकुलस पढ़ोगे डिटेल में, आई थिंक शायद 11th के एंड में या हो सकता है 12th के बिगिनिंग में, तो देखना ये सारे फंक्शन जो मैं भी लिस्ट बनाऊंगा इन सब का प्रूफ भी है। बट कोई नहीं, अभी रहने दो। तो ये वाई है और ये dy dx का वैल्यू x टू द पावर n, तो अभी हमने किया, अगर y x टू द पावर n होता है ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 sin x cos x tan x ln x। इतना तुमको याद रखना है, दिस इज अ थिंग दैट यू टू रिमेंबर। x टू द पावर n का तो बता दिया, अब मैं बाकी का लिस्ट बना रहा हूं। तो sin x अगर होगा तो cos x, cos x अगर होगा तो माइनस sin x, tan x अगर होगा तो sec square x, ln x होगा तो 1 by x, sec x होगा तो sec x, tan x ये होगा माइनस ऑफ cosec x cot x। अब ये जो चार्ट है ना इसको तुमको याद करना। भाई मेरे से ये सब आता कहां से है ना, देखो जब x टू द पावर n का प्रूफ मैंने दिया है ऑब्वियसली बाकी भी प्रूवेबल चीज कायदे से रट्टा नहीं लगाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं प्रूफ पे जाऊंगा तो चले एक क्लास तो इसमें सबके प्रूफ में चला जाए और ऊपर से इस पे एक और कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा फिर, दैट इज लिमिट्स। या तो लिमिट्स पढ़ के तब जाके डिफरेंशिएशन के रूल को डिराइव करके तब हम आगे बढ़े, अब तो एक दो क्लास तो उसी में निकल जाए। We are not interested in that. What we are interested in is that the results should be known to us. और result को कैसे use करना है वही हम लोग mainly करेंगे, ठीक है ना? चलो, so that was about your list of functions that you have to remember. अब आते हैं हम लोग कुछ rules of differentiation, ठीक है ना? Rule number one. Suppose मैं कहता हूँ कि कोई function है f(x) that is equal to g1x plus g2x c1 c2 c3 g3x plus c4 g4x। नहीं बैठ से ये क्या चीज है ना, देखो g1x g2x g3x g4x ये सारे फंक्शन और उनके साथ मल्टीप्लाई किया गया कॉन्स्टेंट C1, C2, C3, C4 इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, बाय द वे मैं एक छोटी सी चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट इज dy dx को कई बार शॉर्ट में हम लोग सिर्फ y डैश भी देख लो। जैसे मान लो कल को मुझे निकालना है df dx तो मैं इसको सिर्फ लिखूंगा f डैश, ये एक शॉर्ट नोटेशन है। अगर मान लो fx है और मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, f डैश क्या है, f डैश x क्या है, f डैश x इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f(x)। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ y को हम क्या लिखते हैं dy dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x को कैसे लिखेंगे, dfx अपॉन dx है वही चीज, बस ये क्या y के जगह बड़ा सा टर्म आ गया fx, तो फिर वही चीज लिखेंगे आप। अगर fx के जगह y लिखा तो मैं y लिखते हैं। अच्छा हाँ, cot x का भी है, और जैसे tan x का sec square x है तो cot x का लिख लो माइनस cosec square x, ये भी लिख लो बीच, ठीक है ना?
कॉर्टेक्स का पूछा गया बाय सौरभ मिश्रा, तो लेकिन मैं इतना भी ब्लाइंडली याद नहीं कराना चाहता हूँ। एक काम करेंगे, थोड़ा सा और रूल्स पढ़ने दो, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन रूल्स पढ़ने दो थोड़ा सा, फिर मैं एक दो जो है ना इनमें से डिराइव भी कराऊ, तो एकदम सारा बिल्कुल ब्लाइंडली ऐसे नोट करते हो अच्छा नहीं लगता, तो एक दो डिराइव भी कराए, डोंट वरी, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल रट्टोफाई मत करो, वैसे तो याद होना चाहिए बट देन एकदम रट्टोफाई नहीं, कम से कम कुछ तो हम लोग डिराइव भी करें, तो लेट्स स्टडी द रूल्स। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस बार, ये क्या हो जाएगा, सी वन इंटू जी वन डैश एक्स प्लस सी टू इंटू जी टू डैश एक्स प्लस सी थ्री इंटू जी थ्री डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी अगर अलग अलग फंक्शंस है और एक एक के साथ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड है, तो दैट केस डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ना, एक एक को अलग से डिफरेंशिएट करो और उनके डिफरेंशिएशन के साथ साथ उनके कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करके रखो, सी वन सी टू सी थ्री इस तरीके से सारा, ठीक है, दैट्स व्हाट इज द बेसिक्स, ठीक है। आदित्य आस्क की मैं थोड़ा रिपीट कर दो कॉर्टेक्स वगैरह, चलो कोई बात नहीं आदित्य, डोंट वरी, ये जो लास्ट क्या है ना, दो तीन टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ये हम लोग डिराइव कर ले, मतलब एज्यूमिंग साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसको एज्यूम करते हैं, रिपीट कर दो एक बार, सर टेन एक्स कॉटेक्स सेक एक्स कोसेक्स, ये खुद डिराइव कर लो, थोड़ा सा इंतजार करो। चलो की हो गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे सारा चीजें क्लियर होगा। जैसे सपोज मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कॉस एक्स, तो y डैश यानी डीवाई डी एक्स क्या होगा, ना पहली बात तो थ्री रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या है, माइनस साइन एक्स, सिक्स एक्स प्लस प्लस तो नहीं माइनस माइनस सिक्स साइन एक्स, कॉमन लेना चाहते हो एक्स माइनस, बस इतना ही सिंपल है डिफरेंशिएशन, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। आरव दास की सर ई टू द पावर एक्स भी बता दो, देखो ई टू द पावर एक्स भी लिख देता हूँ, ये होता है तुम्हारा एडिशनल रूल, सॉरी एडिशन रूल, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन, इसमें सब्ट्रैक्शन में छुपा हुआ, सी टू जरूरी थोड़ी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, C1 जरूरी थोड़ी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ, तो अलग से कोई सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है, या कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन का अलग से रूल का जरूरत ही नहीं, कि वो इसी के अंदर ही सब इंक्लूड, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, लेकिन इन सब का ना प्रूफ भी है, जैसे प्रोडक्ट रूल का भी प्रूफ है, बट ऑब्वियसली इस वक्त प्रूफ पे तो हम जा नहीं सकते, है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सपोज y इज इक्वल टू f into g, भाई मत से f into g मतलब f मतलब कोई फंक्शन ऑफ x है और g भी कोई फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी हो सकता है, ले जैसे f हो गया सपोज x क्यूब और g मान लो हो गया sin x या tan x, कुछ भी हो सकता है, तो x क्यूब into tan x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो देखो मुझे x cube का भी differentiation आता है, मुझे tan x का भी आता है, पर ये दोनों multiplied है, अब क्या करूं, तो ऐसे केस में हमें लगाना होता है what is called as product, तो product rule क्या कहता है, तो y dash यानी dy dx क्या आएगा, f dash g तो f dash into g plus f into g dash, यानी f dash मतलब df dx into g plus f into dg dx,
दैट वाज अबाउट योर प्रोडक्ट रूल. इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज डिवीजन रूल. चलो या तो एक काम करो, पहले प्रोडक्ट रूल का एक प्रैक्टिस कर ले, है ना. सपोज मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स. अब ये प्रोडक्ट रूल का परफेक्ट एग्जांपल है. ये हो गया x cube और ये हो गया sin x. तो अगर ये f हो गया तो ये g हो गया. तो फिर y dash यानी डिवाइड x क्या हो जाएगा? y dash यानी डिवाइड x क्या होगा? df dx into g plus f into dg dx. देखो ठीक है, df dx into g plus f into dg dx. तो अब df dx बोलते क्या हो जाएगा? next cube का यानी 3x square into g यानी sin x plus f यानी x cube. dg dx मतलब क्या? cos x. अब अगर common थोड़ा बहुत लेना है तो देख लो, तो इस आंसर तो आ ही चुका है. 3 sin x plus x cos x. ऑलरेडी कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं. आस्क्ड इज दैट एफ डैश और एफ डैश एक्स सेम है क्या? बिल्कुल. एफ डैश इज द शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग और एफ डैश एक्स इज द डिटेल वे ऑफ राइटिंग. है एक ही चीज, कोई ज्यादा फर्क नहीं. अब ऐसा ना, नोटेशंस बड़े सारे यूज होते हैं कैलकुलस में छोटे छोटे, देखना. तो ये सब सिमिलर चीज, ज्यादा फर्क नहीं. ठीक है, चलो. लाइक वी हैव डन द प्रोडक्ट रूल का एक छोटा सा एग्जाम्पल. There could be many more, but this is one of them. अब आ जाओ डिवीजन रूल. इसको हम लोग कोशेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है ना. तो क्वेश्चन रूल क्या है? अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ अपॉन जी एस, y इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, तो y डैश यानी डीवाई डी एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी एफ डैश इंटू डिनोमिनेटर यानी जी माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी जी डैश अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल खुद करूंगा पहले और फिर मैं तुम लोगों को एक टास्क दूंगा. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स. अब मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल कर रहा हूं ना मैं. तो सपोज मैं कहता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय साइन एक्स. तब हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, तो वाई डैश यानी डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स. माइनस एफ यानी एक्स क्यूब इंटू जी डैश. तो जी बोलते क्या यहां पे? साइन एक्स. यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स अपॉन जी स्क्वायर. तो जी मतलब साइन एक्स. सिंपल है. तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स. इतना ही सिंपल. तो कोई ज्यादा कठिन टास्क नहीं है. अब मैं एक टास्क दूंगा, दैट इज मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लेम किया कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है ना मैंने. तो क्वोशेंट रूल से प्रूव करो और फिर सेंड करो.
प्रूव एंड सेंड, क्या वाई को ले लो एज टेन एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी वहां पे डिफरेंशिएशन का डिविजन रूल रख सकते हैं, क्वेश्चन रूल. तो प्रूव या डिराइव वाई डैश, यानी डिवाइड यूजिंग ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल. फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो और फिर उसके बाद मुझे सेंड करो, जल्दी करो. आदित्य ठीक है, पर आदित्य जगह तुमने ना जो लास्ट वाला सेकंड स्टेप में जो माइनस साइन एक्स लिखा था उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं होगा, तो तुमने ब्रैकेट हटा दिया. मैं साहब बहुत ज्यादा ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, जो छोटे छोटे चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता. सो योर्स इज राइट आदित्य, बट एक जगह तुमने ब्रैकेट भूल गए, है ना. चलो कोई बात, चलता. तो अब एक काम करो, tan x के जगह आप शुरू करो cot x, जल्दी करो. y is equal to cot x, यानी आप सेम चीज डिराइव करो, y is equal to cot x derive y dash, जल्दी करो सेंड करो. चलो सर्टेन आंसर्स आर स्टार्टेड कमिंग. ठीक है शिखर करेक्ट है, शिखर के पहले आरव ने करेक्ट दिए हैं, सौरभ ठीक है, यू आर राइट. आ गया ना, मुकुंद ने भी करेक्ट दिए हैं, दैट्स राइट. मान्या यू आर आल्सो राइट. चलिए मैं देख रहा हूँ कि सब अब लगभग करेक्ट दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा. अब एक काम करना, अपने फ्री टाइम में जो हमने साइन एक्स और कॉस एक्स किया ना, सेक एक्स और कोसेक एक्स का भी खुद कर लेना. तो सेक एक्स के लिए क्या होगा ना, वन बाई कॉस एक्स, यानी एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा वन और जी हो जाएगा कॉस एक्स. तो वन इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. वाई दैट बिकॉज कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है. जब चेंज ही नहीं होता है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो. यानी ये भी एक रूल पता होना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो. Differentiation of a constant is equal to what? Zero. ठीक है, ये पता होना चाहिए. Next is I think very simple. Okay, so I think we can now go ahead.
So that was about your basic rules of differentiation. इसके बाद आता है what is called as chain rule. Now this is a little different. Chain rule क्या है? देखो कई बार ना थोड़ा सा complicated cases आते हैं, जो कि direct solve करने में थोड़ा दिक्कत होता है. ठीक है? अभी बताऊंगा example, तो तुमको idea लग जाएगा. क्यों? null वर्सेस direct solve करने में क्या दिक्कत है? डायरेक्ट सॉल्व करने में हमारे पास रूल्स क्या है? एक वो एडिशन वाला रूल है, एक प्रोडक्ट वाला रूल है और एक डिवीजन वाला रूल. देखना कई बार ये तीनों में से कोई सा भी एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे केस में हम लोग कई बार चेन रूल यूज करते हैं. चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं. जैसे याद करके देखो, क्लास टेंथ में कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे तुम लोग करते थे. एक एग्जांपल बताता हूं. सपोज एक इक्वेशन देता हूं मैं, x plus 1 by x to the power 2 minus 7 into x plus 1 by x, है ना, plus 12 equal to 0. अब इस तरीके से इक्वेशन तो लोगों ने कर रखा है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व थोड़ी करते थे. हम लोग कैसे करते थे, हम लोग x plus 1 by x को कुछ पुट कर देते थे, लेट्स से z, तो ये हो जाएगा this is equal to z square minus 7z प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करते थे. अब फिर जेड को सॉल्व करते थे, फिर जब जेड के वैल्यूज आ जाते थे, मान लो कुछ कुछ जो भी आएगा, उसको फिर हम लोग x plus x, 1 by x के साथ इक्वेट करते थे, तो दो वैल्यूज आएंगे, तो फिर सॉल्व करके फिर फाइनली x plus 1 by x यानी x का वैल्यू सॉल्व करके निकालते, यही प्रोसेस होता था. तो दिस कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन. ऐसे ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तरीका है उसके अंदर इनिशियली फिट नहीं बैठ रहा, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से उसको फिट करा पर, या उसी तरीके से उसको फिट करा और फिर उसके बाद सॉल्व किया. दैट्स व्हाट द बेसिक मेथडोलॉजी इज, है ना. तो वही मैं कह रहा हूं, तो देयरफॉर चेन रूल में क्या होता है, इन चेन रूल व्हाट वी डू इज दैट वी फिट द क्वेश्चन इन बेसिक मेथडोलॉजी. ठीक है, अब वो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो चेन रूल है क्या, पहली बात तो dy dx इज इक्वल टू dy dz, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने एक्चुअली कुछ नहीं किया, हमने ऊपर नीचे dz dz मल्टीप्लाई कर दिया. और z कहां से आ गया, तो मैंने क्या बोला कि z ही तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में ला रहे, कोई नया वेरिएबल, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा. अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आई थिंक उससे तुमको और अच्छा सा आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा. जैसे सपोज मैं तुमको कहता हूं y इज इक्वल टू साइन x क्यूब. अब प्रॉब्लम समझो, अगर y इज इक्वल टू साइन x होता तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता था, अगर y इज इक्वल टू x क्यूब होता तो भी मैं बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर देता, है ना. लेकिन ये तो किसी में भी फिट नहीं है, ना साइन एक्स वाले पैटर्न पे है ना एक्स क्यूब वाले पैटर्न पे, ये साइन के अंदर एक्स क्यूब है. अब ये मेरे लिए अड़चन है, तो मैं काम करता हूं मॉडिफिकेशन करके यानी सब्स्टिट्यूशन करके इसको पहले फिट बैठाऊ. कैसे, तो मैं सपोज पुट कर देता हूं जेड को एज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जेड को फिट कर देता हूं एज एक्स क्यूब. तो इससे क्या होगा, है ना, इससे ये होगा इससे ये हो जाएगा कि y क्या हो जाएगा, साइन z, z x क्यूब तो साइन z हो गया. अब मैं काम करता हूं dy dz निकाल लेता हूं, तो रूल तो वही है, dy dz क्या होगा, cos z, भाई रूल तो कोई चेंज नहीं होगा. और एक चीज चाहिए, वो है dz upon dx. तो अगर z is equal to x cube होगा तो dz upon dx क्या हो जाएगा, three x square. अच्छा cos z है, तो अगर z को सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या आ जाएगा, तो equal to cos of x cube. ओके, अब dy dx मुझे निकालना था, तो
तो dy dx क्या हो गया, dy dx is equal to dy dz, जो कि हमने निकाल लिया है cos x cube, cos x cube into dz upon dx, dz upon dx अलग से निकाल लिया, यानी 3x square, यानी हो जाएगा 3x square into cos x. तो आंसर आ This answer. Fine. Then you divide x finally will become equal to 3x square into cos x cube. बस इतना ही आसान. ठीक है ना? कोई ऐसे हाईफाई रूल कुछ नहीं है. But yes, you know, we were not able to initially solve with the help of this one. क्यों? क्योंकि ये ना ये sin x के पैटर्न में फिट हो रहा है. और ना ही x क्यूब के पैटर्न में फिट हो रहा है. हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया और फिर चेन रूल यूज किया एंड देन गॉट द आंसर. है ना? चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, एक क्वेश्चन तो मैंने खुद सॉल्व कर दिया, अब मैं एक और दे रहा हूं. ठीक है ना? तो सॉल्व दैट आल्सो. एंड दैट इज सपोज आई से y इज इक्वल टू tan of so y is equal to tan of cos x cube, right? The question is find dy dx. और हो जाए तो सेंड इट अक्रॉस क्विकली, जल्दी करो. तो देयरफॉर आई एम डूइंग स्टेप वाइज. देखो जरा अच्छे से, फिर बाद में ना, आज नहीं बट मे बी कल के क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें, राइट? तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं मैं पुट करता हूं जेड एज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब. इसमें भी दिक्कत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं. मैं एक और पुट कर देता हूं टी एज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना? तो देयरफॉर डी टी डी एक्स क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा. ठीक है? अच्छा, क्योंकि अब मैंने टी को एक्स क्यूब पुट कर दिया तो यानी जेड अब क्या होगा, जेड अब हो जाएगा कॉस टी, है ना? कॉस टी. तो देयरफॉर dz अपॉन dt क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन t, और t तो x क्यूब है, यानी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x क्यूब. ठीक है? अच्छा, क्योंकि cos x क्यूब को मैंने z बना दिया तो यानी y क्या होगा, tan z. तो y हो गया इक्वल टू tan z. ठीक है ना? और देयरफॉर dy dx हो जाएगा इक्वल टू sec square z, or z as I said is what, na? Cos x cube, hai na? So therefore ye ho jayega sec square cos x cube. Ab finally kya hoga na, is baar chain rule thoda extended hai. So extended chain rule kya hai, hai na? So this is a basic chain rule, this is the बेसिक चेन रूल. फिर आता है व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड चेन रूल. एक्सटेंडेड चेन रूल का कोई एंड नहीं, यानी मैं आराम से लिख सकता हूं dy dx as equal to dy dz into dz dt into dt, कुछ भी ले लो, dp into dp dm, है ना? इनटू करते 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 फाइनली यहां पे dx आए. और होता क्या, देखो कि अल्टीमेटली देखो dz dz कैंसिल, dp dt कैंसिल, dp dp कैंसिल. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होगा और उतना नुएंस्ड एक्सप्रेशन होगा एक के अंदर एक के अंदर एक, तो उतने ही हमें नेस्टिंग यानी चेन तक जाना पड़ सकता. तो दिस इज एक्सटेंडेड चेन रूल, यानी तुम जितना तक ले जाना चाहते हो ले जा सकते. बट हाँ, यहाँ वाला और वन अपॉन यहाँ वाला सेम होना चाहिए, बाकी dd जो भी होगा वो सब, मतलब देखो यहाँ का सेम होना चाहिए, यहाँ का सेम होना चाहिए,
यहाँ का यहाँ का सेम होना चाहिए, यहाँ का ऊपर वाला सेम होना चाहिए, इस तरीके से पूरा रूल एक्सटेंड होगा। सबसे पहले dy और लास्ट के कॉर्नर में नीचे आएगा dx, दैट इज द आइडिया ऑफ एक्सटेंडेड चेन। तो मैं वही यूज करूंगा इस केस, इस वाले। तो क्या आ गया फिर, आई कैन राइट dy dx therefore as equal to dy dz into dz by dt into dt by dx। तो मैं एक्सटेंडेड चेन रूल का थ्री स्टेप वाला यूज कर, तो dy dz कितना हो गया, dy dz, ठीक है। तो dy dz क्या हो गया, sec स्क्वायर z, यानी sec स्क्वायर z into dz dt। तो हाँ, dz dt क्या हो गया ना, माइनस साइन t into माइनस साइन t into dt dx, dt dx क्या है 3x स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर z, और z क्या है cos x क्यूब, यानी sec स्क्वायर cos x क्यूब into माइनस, तो माइनस सामने रख लेता हूं, sin t, t बोलते क्या x क्यूब, तो sin x क्यूब into क्या है ना 3x स्क्वायर। बाकी 3x स्क्वायर सामने रखना, सामने रख सकते हो, पीछे रखना, पीछे रख सकते हो, that's your choice। ये पूरा आंसर है। Now of course you might say कि क्या मुझे ऐसे सारे स्टेप्स लिख के करने पड़ेंगे? Well, the answer to that question is इतना लिखना नहीं पड़ता। Don't worry, जब actual में आता है तो हम लोग इसका एक methodology निकाल लेते हैं, जिसके वजह से वो nesting के अंदर चलता रहता है और तुम result directly लिख सकते हो। But that's like not today, we will discuss this aspect tomorrow, ठीक है ना? तो वो चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी मैंने पूरा फॉर्मल तरीके से अच्छे से डिटेल में, है ना, डिटेल में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया। तो लाइक dy dx will be dy dz into dz dt into dt dx, ठीक है, तो देख लो अच्छे से। चलो, so that was about your discussion for the day। आज हमने लगभग differentiation के basic rules किया है, लेकिन differentiation का purpose क्या है, या उसका physical interpretation क्या है, वो भी equally important है। और chain rule के ऊपर थोड़ा सा और discussion करना बचा है। These are the two things that will be in the agenda tomorrow, and you know after that we will be talking about your you know integration also, that is also for tomorrow। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, यानी कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे चेन रूल वगैरह इस टाइप का, और फिर डिफरेंशिएशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन से हम लोग क्या क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं वो हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए इतने, थैंक यू टुमारो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। शिखर से इसके आज कोई होमवर्क नहीं दिए मैंने दिया ना, sec x और cosec x का डिफरेंशिएशन का रूल है ना, मैंने वैसे तो आंसर दे दिया था बट उसको डिराइव करने के, तो दो होमवर्क है ऐसे बात, ठीक है। चलो आज के लिए, हैव अ गुड डे।